गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 3। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल लर्न अबाउट पिवट एनिमेटर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग आज समझेंगे। इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्टिंग पिवट एनिमेटर, पिवट एनिमेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट पिवट एनिमेटर। व्हाट इज़ पिवट एनिमेटर? पिवट एनिमेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट स्टिक फिगर्स एंड शो देयर मूवमेंट्स। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक स्टिक फिगर्स क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और उसकी मूवमेंट्स को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दिखा सकते हैं। दिस सिंपल एंड ईजी सॉफ्टवेयर लेट्स यू क्रिएट योर ऑन एनिमेटेड स्टोरीज यूजिंग स्टिक फिगर्स। इस सिंपल सॉफ्टवेयर के द्वारा आप अपनी भी एक स्टोरी एक एनिमेटेड कर सकते हैं इस स्टिक फिगर्स के इस्तेमाल कर करके। ओके, तो आपने क्या समझा, पिवट एनिमेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप एक स्टिक फिगर्स और उसके मूवमेंट्स को दिखा सकते हैं, एक स्टिक फिगर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इस को स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट पिवट एनिमेटर। पिवट एनिमेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टेप वन, ऑन द टास्क बार क्लिक द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेनू अपीयर्स। क्या करेंगे, टास्क बार पे जाएंगे और स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे जो कि लेफ्ट साइड में होता है, उसको क्लिक करेंगे तो एक स्टार्ट मेनू यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप, ऑन द स्टार्ट मेनू सेलेक्ट द ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। एंड स्टेप नंबर 3, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक द पिवट एनिमेटर फोल्डर। और स्क्रॉल बटन से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, और जाके पिवट एनिमेटर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो पिवट एनिमेटर फोल्डर एक्सपेंड, तो वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्लिक ऑन पिवट एनिमेटर ऑप्शंस, द पिवट एनिमेटर विंडोज अपीयर्स। और जाके क्या करेंगे, पिवट एनिमेटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे क्या होगा, द पिवट एनिमेटर जो सॉफ्टवेयर है विंडोज, वो ओपन हो जाएगा। ओके, द पिवट एनिमेटर विंडोज हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिवट एनिमेटर विंडोज़ है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फ्रेम कंट्रोल्स, सेलेक्ट फ्रेम, ओके, सेलेक्ट बैकग्राउंड, सेलेक्ट फिगर टाइप, फिगर कंट्रोल्स, एड फ्रेम, ओके, एंड फिगर टाइमलाइन, दीज आर अ पार्ट्स ऑफ पिवट एनिमेटर। ओके, फ्रेम साइज ऑल्सो, हियर इज अ फ्रेम साइज, ओके, फ्रेम एरिया, तो दीज आर अ पार्ट्स ऑफ अ पिवट एनिमेटर। ओके, इसके डिफरेंट यूजेज हैं। लेट्स सी, फ्रेम इट शोज द पोजिशंस ऑफ अ फिगर। फ्रेम क्या करता है, फिगर की पोजिशंस को दिखाता है। फ्रेम कंट्रोल, दिस ग्रुप हैज़ अ वेरियस बटन टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द फ्रेम्स। इसमें अनेकों बटन्स होते हैं जो क्या करता है, कंट्रोल्स करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, फ्रेम पे वर्क करने में वो कंट्रोल्स करता है। बैकग्राउंड, दिस बटन अलाउज यू टू ऐड अ बैकग्राउंड टू द फ्रेम। फ्रेम के पीछे जो बैकग्राउंड ऐड किया जाता है उसमें ये आपको मदद करेगा, इससे हेल्प मिलेगा। ऐड फिगर, दिस बटन अलाउज यू टू एड अनदर फिगर टू द फ्रेम। उस फिगर में एक और भी फिगर, मैंने फिगर को आप ऐड कर सकते हो। फिगर कंट्रोल से क्या होता है, दिस ग्रुप हैज़ वेरियस बटन, इस ग्रुप में भी अनेकों बटन्स होते हैं टू एडिट द फिगर्स, फिगर्स को आप एडिट कर सकते हैं। एंड एड फ्रेम, दिस बटन एड द रिसेंटली एडिटेड पोजिशंस ऑफ द फिगर टू द टाइम लाइन। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो रिसेंटली एडिटेड होता है उसको आप फिर से फिगर को पोजिशन में कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, फिगर इन पिवट एनिमेटर हैव रेड और ऑरेंज डॉट्स। अब देखिए, बता रहा है पिवट एनिमेटर की जो फिगर होते हैं ना, उसमें रेड और आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स रहता है। दिस डॉट्स आर यूज्ड टू मूव द फिगर्स और इट्स पार्ट्स। यह डॉट्स किस चीज़ में मदद करता है, तो उस फिगर के पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। आफ्टर एवरी मूवमेंट यू नीड टू क्लिक एड फ्रेम बटन टू इंसर्ट अ न्यू फ्रेम। एवरी मूवमेंट के बाद आपको किस चीज़ की रिक्वायर होती है, तो एड फ्रेम पे क्लिक करना। इससे क्या होता है, जो एक न्यू जो है
इंसर्ट होता चला जाता है। ईच फ्रेम देन गेट्स एडेड ऑन द पाइवट एनिमेटर विंडो, और प्रत्येक फ्रेम क्या होता है जो पाइवट एनिमेटर विंडोज में एडेड होता चला जाता है। ओके यहाँ पे देखिए डिफाइनिंग एस्टिक फिगर्स। अब एस्टिक फिगर्स के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं ये क्या होता है। व्हेन यू स्टार्ट पाइवट एनिमेटर यू विल बी एबल टू सी अ एस्टिक फिगर ऑन द पाइवट एनिमेटर विंडो। जब आप पाइवट एनिमेटर को स्टार्ट करेंगे तो आप पाइवट एनिमेटर विंडोज़ में आप एक स्टिक फिगर को देखेंगे, ठीक है। दिस स्टिक फिगर इज मेड ऑफ लाइन्स एंड डॉट्स। यह स्टिक फिगर किस चीज़ का बना होगा, लाइन और डॉट्स का। यूजिंग दिस डॉट्स यू कैन एडजस्ट द पोस्चर्स एंड पोजिशंस ऑफ द फिगर। उस डॉट्स के इस्तेमाल करके आप फिगर्स के पोजिशंस को पोस्चर्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। द लाइन्स ऑफ अ स्टिक फिगर आर कॉल्ड सेगमेंट्स। तो उस स्टिक फिगर का जो लाइन होता है वो सेगमेंट कहलाता है। एंड द डॉट्स आर कॉल्ड हैंडल्स, और डॉट्स को क्या कहते हैं, हैंडल्स कहते हैं। अब देखिए नाउ देर आर टू हैंडल्स ऑफ टाइप्स ऑफ हैंडल्स, यानी दो तरह प्रकार के हैंडल्स होते हैं। द ऑरेंज डॉट एट द सेंटर ऑफ द फिगर इज कॉल्ड द ओरिजिन हैंडल। जो सेंटर में जो ऑरेंज डॉट्स होते हैं उसे ओरिजिन हैंडल कहते हैं। दिस हैंडल इज यूज टू मूव एंड चेंज द लोकेशंस ऑफ द फिगर। मूव करने में और फिगर की लोकेशंस को चेंज करने में इसकी मदद इसका मदद किया जाता है, इसका हेल्प किया जाता है। यू यूज टू क्लिक द ऑरेंज एंड ड्रैग टू मूव द फिगर्स। आप क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं फिगर को मूव करने के लिए। देखिए दिस इज अ स्टिक फिगर, यही है स्टिक फिगर। ओके तो आपने क्या समझा, जो इसके दो पार्ट्स, एक तो लाइन जो हुआ ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो लाइन जिसको आप सेगमेंट कहते हैं, और ये डॉट्स हैं। ओके दीज आर द डॉट्स। द रेड हैंडल्स आर एट द एंड ऑफ ईच सेगमेंट्स। अब देखिए रेड जो हैंडल्स होते हैं यानी रेड डॉट्स, वो प्रत्येक सेगमेंट्स के दोनों एंड पॉइंट पे होता है। दिस हैंडल्स आर यूज टू रोटेट द सेगमेंट ऑफ द स्टिक फिगर्स। स्टिक फिगर्स के सेगमेंट को आप रोटेट कर सकते हो। ये रोटेट है, ये लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, स्लांट कर सकते हैं। ओके आप रोटेट कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द हैंडल विल सेलेक्ट द इंटायर फिगर। व्हेन द सेगमेंट्स ऑफ ए स्टिक फिगर आर मूव्ड और शैडो अपीयर्स शोइंग द ओरिजिन पोजिशंस ऑफ द फिगर, दिस शैडो इज कॉल्ड ऑनियन स्किन्स। और जब आप सेगमेंट्स के स्टिक फिगर के सेगमेंट को मूव करते हैं तो एक शैडो अपीयर्स होगा वहाँ पे, शोइंग द ओरिजिन पोजिशन। तो वो आपको पोजिशन दिखाएगा, जो आप जैसे जैसे स्टिक फिगर को मूव कीजिएगा तो उसका एक शेडो बनेगा, आपको शो करेगा इस तरह का आपका फिगर बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस शेडो को क्या बोलते हैं, ऑनियन स्किन बोलते हैं। ओके डियर देखो यहाँ पे मूव किया जा रहा है, उसका शेडो हो जा रहा है, यही ऑनियन स्किन हो गया। रिमेंबर द ऑनियन स्किन डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फ्रेम, इट स्टार्ट अपियरिंग इन द सेकेंड फ्रेम। और याद रखिए ये जो ऑनियन स्किन है वो आपको फर्स्ट फ्रेम में अपियर नहीं होता, वो सेकेंड फ्रेम में अपियर होता है। देखिए ये शेडो है, ये ऑनियन आपको स्किन कहलाता है। ओके इंसर्टिंग स्टिक फिगर्स, चलिए स्टिक फिगर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। यू विल फाइंड सम रेडीमेड स्टिक फिगर्स इन पाइवट एनिमेटर। आप पाइवट एनिमेटर में आप कुछ रेडीमेड बना बनाया आप स्टिक फिगर्स को वहाँ पे पाएंगे। यू कैन यूज दिस फिगर्स टू क्रिएट योर एनिमेशंस। तो आप उस फिगर के इस्तेमाल से अपने एक एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाउएवर यू नीड टू लोड दिस फिगर्स बिफोर यू कैन यूज देम। वन लोडेड दे कैन बी एडेड टू अ फ्रेम एज द फ्रेम एरिया ऑलरेडी हैज़ अ फिगर, इट फर्स्ट नीड टू बी क्लियर्ड। तो आप जो फिगर का यूज़ करेंगे उसमें कहाँ, तो फ्रेम में, तो फ्रेम जैसे ही उसमें क्या होता है, जो एक ऑलरेडी फिगर बना होता है तो उस तो अपना फिगर उसमें इंसर्ट करने से पहले क्या होगा, जो उस के अंदर की जो फिगर है उसको क्लियर करना होगा। ओके तो चलिए टू क्लियर द फ्रेम एरिया, तो उस फ्रेम एरिया को हम कैसे क्लियर करेंगे, वही स्टेप नीचे दे रखा है। फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑरेंज डॉट ऑन द फिगर एज शोन। देखिए यहाँ पे ऑरेंज डॉट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे ऑरेंज डॉट पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं ना ऑलरेडी फ्रेम में फिगर बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्लियर करना होगा। क्लियर करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑरेंज डॉट ऑन द फिगर
ठीक है, फिगर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, ऑन द लेफ्ट पैन फ्रॉम द फिगर कंट्रोल्स ग्रुप क्लिक द डिलीट फिगर आइकन। यहाँ पे देखिए लेफ्ट पैन सेलेक्ट फिगर है, इस यहाँ पे देखिए ये क्रॉस है, इसको जा कर के इस पर हम जाके क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक कर देंगे, द फिगर डिसअपीयर, तो वो जो फिगर जो ऑलरेडी फ्रेम में रहता है वो क्या हो, डिसअपीयर हो जाएगा। टू लोड अ फिगर, अब फिगर कैसे लोड करेंगे उसमें, तो स्टेप वन क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पे जाएंगे, कॉर्नर पे रहता है, ठीक है। द फाइल मेनू अपीयर्स एज शोन फिगर 3.6, देखिए इस तरीके से एक फाइल मेनू जो है अपीयर हो जाएगा। देखिए फाइल मेनू, इसमें न्यू, ओपन एनिमेशन, सेव एनिमेशन, सेव एनिमेशन एज, ओके इस प्रकार से एक मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लोड फिगर टाइप, लोड फिगर टाइप, क्लिक ऑन द लोड फिगर टाइप ऑप्शन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। ओके यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड फिगर टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो अपीयर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे देख रहे हैं। इन नंबर 3 क्लिक द डिजायर स्टिक फिगर्स, आप अपने इच्छानुसार आप वहाँ पे चेक करेंगे और अपने इच्छानुसार एक स्टिक फिगर पे क्लिक करेंगे। अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड फिगर टाइप्स अपीयर्स ऑन द राइट पेंस एज शोन इन फिगर। तो क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका उसका एक प्रीव्यू जो है दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ अ सेलेक्ट फिगर टाइप, जैसे ही आप अपने इच्छानुसार क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे शो कर देगा जो ये इस तरह का फिगर है, आप अगर सेलेक्ट करना चाहो तो फिर करो, अदरवाइज फिर दूसरे को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। क्लिक ऑन द ओपन बटन, फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, बटन ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, द सेलेक्ट फिगर अपीयर्स ऑन द फ्रेम एरिया एज शोन इन फिगर 3.9। तो फ्रेम एरिया में जा कर के एक क्या होगा, वो फिगर ओपन हो जाएगा। ओके एडिटिंग स्टिक फिगर्स, अब स्टिक फिगर को एडिट कैसे करेंगे, यू कैन इजली एडिट अ स्टिक फिगर्स, आप आसानी से स्टिक फिगर को एडिट भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द साइज ऑफ द फिगर, आप फिगर्स के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट के लंबाई को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और रोटेट अ सेगमेंट अराउंड अ हैंडल, और हैंडल के चारों ओर आप सेगमेंट को रोटेट भी कर सकते हैं। टू चेंज द साइज ऑफ अ स्टिक फिगर, ऑन द टूल्स पैनल पे जाएंगे, फ्रॉम द फिगर कंट्रोल्स ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप में क्लिक ऑन द अप और डाउन एरो की इन द फिगर स्केल स्पाइन बॉक्स, स्पाइन बॉक्स में अप एंड डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, द फिगर साइज इंक्रीज, तो उसमें से क्या होगा, द फिगर साइज इंक्रीज और प्रेसिंग द अप एरो की एंड डिक्रीजेज एंड प्रेसिंग द डाउन एरो की, डाउन एरो की करेंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अप एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो साइज में इंक्रीज होगा। यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू साइज, ओके ये देखिए ओरिजिन साइज था, इसको न्यू साइज यानी किया जा सकता है आप, ठीक है। टू रोटेट अ फिगर, अब इस फिगर को हम रोटेट कैसे, लेफ्ट राइट कैसे कर सकते हैं, तो प्रेस एंड होल्ड द अल्ट की, क्या करना है, प्रेस करना है और होल्ड करना है अल्ट की को, ठीक है, कीबोर्ड पे एक अल्ट की होता है। क्लिक अ हैंडल एंड ड्रैग द माउस, क्या करना है, हैंडल पे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करना है यानी प्रेस करके उसको खींचना है। टू रोटेट द फिगर्स इन एनी डायरेक्शंस, द फिगर रोटेट्स अराउंड द ओरिजिन हैंडल, तो क्या होगा, ओरिजिन हैंडल यानी जो शैडो हैंडल्स है उस, हाँ उसके ऊपर से ये किसी भी डायरेक्शन में, अब जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे ड्रैग करके वो क्या होगा, मूव होगा, रोटेट होगा। ओके डियर, टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ द सिंगल सेगमेंट्स, चलिए सिंगल सेगमेंट्स के लेंथ को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, तो प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, क्या करना होगा, प्रेस और होल्ड करना होगा कंट्रोल की को। नंबर 2 क्लिक द हैंडल ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट्स एंड ड्रैग इट द सेगमेंट स्ट्रेचेस, तो क्या होगा, अब उसको जब ड्रैग करेंगे, खींचेंगे सेलेक्ट करके और जब उसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो सेगमेंट स्ट्रेच होगा यानी फैलेगा। ओके जहाँ तक आप खींचेंगे वहाँ तक जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एन एनिमेशन, किसी भी एनिमेशन को अब हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स, अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स आर एडेड टू द
टाइमलाइन टू क्रिएट एन एनिमेशन, एक किसी भी एनिमेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेम को सेट करना होगा। द टाइमलाइन डिस्प्लेज द पोजीशंस ऑफ अ फिगर इन ईच फ्रेम। टाइमलाइन क्या करता है, जो पोजीशंस को, फिगर के पोजीशंस को क्या करता है, दिखाता है, डिस्प्लेस करता है। यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकारों के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस क्रिएट अ रन एनिमेशन, चलिए हम एक रन एनिमेशन जो है क्रिएट करते हैं। ओके, तो फॉर दैट क्या करना होगा हमें, तो स्टेप नंबर वन, मूव द सेगमेंट एंड हैंडल्स ऑफ द फिगर टू पोजिशन इट एज शोन इन फिगर 3.14। तो 3.14 में जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसके सेगमेंट्स एंड हैंडल्स को मूव करना होगा। ठीक है, देखिए रन एनिमेशन है यानी दौड़ता हुआ दिख रहा है ना इसमें। सेकेंड, फ्रेम द टूल्स पैनल, सॉरी फ्रॉम द टूल्स पैनल क्लिक द एड फ्रेम बटन, अ न्यू फ्रेम इज एडेड एज शोन इन फिगर 3.15। तो एक नया फ्रेम जो है ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप 3.15 में देख पा रहे हैं। थर्ड, चेंज द पोजिशंस ऑफ द फिगर एज शोन इन फिगर 3.16, द ऑनियन स्किन्स ऑफ अ फिगर इज विजिबल, द पोजिशंस ऑफ द स्टिक फिगर इन द न्यू फ्रेम रिमेंस द सेम। ओके, सेम रह जाता है। सिमिलरली एड टू मोर frames and change the positions of the figure as shown in figure 3.17 and 3.8। सिमिलर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फ्रेम को और फ्रेम के अंदर फिगर की पोजिशंस को अब इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। द फोर फ्रेम्स विल बी विजिबल इन द टाइमलाइन as shown in figure 3.9। तो यहाँ पे आपको फोर फ्रेम जो है दिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, थ्योरी को समझने के साथ साथ आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो इसमें सेंटेंस क्या है वो मैं समझा दे रहा हूँ, मेरा मेन फोकस वो है। आप अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके डियर, प्लेइंग एन एनिमेशन, चलिए किसी एनिमेशन जो बनाया गया उसको कैसे प्ले करेंगे। द प्लेयर कंट्रोल्स ग्रुप इन द टूल्स पैनल, टूल्स पैनल में जाएंगे, हैव डिफरेंट बटन्स टू प्ले एंड स्टॉप ऑन एनिमेशंस एज शोन इन फिगर। तो वहाँ पे क्या होता है, प्ले बटन है, यहाँ पे देखिए ये प्ले है, यहाँ से प्ले होगा, स्टॉप बटन है, स्टॉप हो जाएगा एनिमेशंस। ओके, फ्रेम रेट साइडर है, यहाँ पे फ्रेम रेट साइडर है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ईच बटन, चलिए अब प्रत्येक बटन्स के फंक्शंस को समझते हैं क्या होता है। प्ले बटन से क्या होता है, टू प्ले द एनिमेशन, वो एनिमेशन जो आपने क्रिएट किया, जो बनाया वो क्या होगा, प्ले हो जाएगा। स्टॉप बटन से क्या होगा, टू स्टॉप एन एनिमेशन, एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा। लूप से क्या होता है, टू प्ले द एनिमेशन रिपीटेडली, यानी जो एनिमेशन है आप उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार, वो वही चीज़ जो है रिपीट हो करके प्ले होगा। ठीक है, फ्रेम रेट साइडर टू सेट द स्पीड ऑफ द एनिमेशन, आप एनिमेशंस को के स्पीड्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं फ्रेम रेट साइडर से, यानी आप इस बटन से एनिमेशंस के स्पीड को सेट कर सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक बटन्स के फंक्शंस के आप बारे में समझ गए। चलिए, सेविंग एन एनिमेशंस, किसी भी एनिमेशंस को हम कैसे सेव करेंगे। After loading on an animation, you need to save. Animations load करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसे save करना होता है file में। तो you can save the file in any locations, आप उसे file में save कर सकते हैं किसी भी location में। The file will be saved in a phone call, ठीक है, वो क्या होगा, format call PIV, ठीक है, वो क्या होगा, save हो जाएगा। चलिए, टू सेव अ फाइल, फाइल को सेव करने के लिए क्लिक द फाइल टैब, द फाइल मेनू अपीयर्स, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एक फाइल मेनू अपीयर्स हो गया। सेकेंड, क्लिक द सेव एनिमेशन एज ऑप्शन एज शोन इन फिगर 3.21, सेव एज ऑप्शन पे करेंगे, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन फिगर, यहाँ पे देखिए इस तरीके का बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ आप चूज़ कीजिए आप किस में सेव करना चाहते हैं। आप अगर इसमें सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। आप यहाँ पे लेफ्ट पेन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप किस में सेव करना चाहते हो, देख सकते हैं यहाँ पे किस में करना चाहते हैं। टाइप द डिज़ायर्ड नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, यहाँ पे देखिए फाइल नेम बॉक्स है, इसमें आप अपने नाम डाल सकते हैं किस नाम से सेव करना चाहते हैं। इन फिफ्थ क्लिक ऑन द सेव बटन, और पाँचवें नंबर में आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके। इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। क्लोजिंग पाइवट एनिमेटर, चलिए उस पाइवट एनिमेटर को आप कैसे क्लोज करेंगे। आफ्टर सेविंग द एनिमेशन फाइल, फाइल को सेव करने के बाद यू कैन क्लोज पाइवट एनिमेटर, आप पाइवट एनिमेटर को क्लोज कर सकते हैं। टू क्लोज इट, उसे क्लोज करने के लिए यू रीड टू एग्जिट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू एग्जिट पाइवट एनिमेटर फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब मेन्यू अपीयर्स हो जाएगा। सेकेंड क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शंस एज शोन इन फिगर 3.23, यहाँ पे देखिए एग्जिट्स हैं, इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो पाइवट एनिमेटर विंडोज क्लोज हो जाएगा, ओके डियर। तो पाइवट एनिमेटर चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, यही पाइवट एनिमेटर है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बाय एंड हैव एन